तो गुड मॉर्निंग गाइस, गाइस अभी सुबह के 6:19 हो चुके हैं गाइस। इस वक्त हम हैं चंदपुरा रेलवे स्टेशन पे, यानी चंदपुरा जंक्शन पे। तो गाइस सुबह का टाइम है, ठंड बहुत है यहाँ पे भाई साहब। तो चलिए सुबह सुबह भाई, देखिए स्टेशन का कुछ इस तरह का मेरे पीछे का व्यू है, चलिए आपको दिखाते एक बार। तो गाइस देखिएगा, सुबह सुबह गाइस अभी हम जस्ट पहुँचे थे इसी नंबर पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, यानी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई थी। हाँ भाई सही भाई, ठंड तो बहुत है, ठंड काफ़ी है चंदपुरा रेलवे स्टेशन में भाई, मानना पड़ेगा। जबकि फरवरी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, देखिए इधर रेलवे क्वार्टर है। चलिए सुबह सुबह का टाइम है, आपको चंदपुरा रेलवे स्टेशन के बाहर का आपको व्यू दिखाते हैं। तो गाइस बाहर जाने के लिए जो फुट ओवर ब्रिज है, फुट ओवर ब्रिज से एकदम सीधे एकदम भी बाहर जा सकते हैं, या तो एक नंबर प्लेटफॉर्म उतर के सीधे एकदम मेन गेट से भी बाहर जा सकते हैं। तो चलिए हम एक नंबर प्लेटफॉर्म उतर करके तब बाहर जाएंगे, तब आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। तो गाइस इस वक्त हम फुट ओवर ब्रिज पे आ चुके हैं, देखिए गाइस इधर कुछ ट्रेनें लगी हुई है और ये फुट ओवर ब्रिज से हम बाहर की ओर जा रहे हैं। इधर से सीधे बाहर जा सकते हैं, लेकिन मैं जाऊँगा इधर से। मॉर्निंग का व्यू अभी आप देख पा रहे हैं, काफी अच्छा है। लेकिन भागलपुर रांची अभी प्लेटफॉर्म एक जस्ट आई है, भागलपुर रांची। इस टाइम देखिए 6:25 अभी हो चुका है। देखिए सुबह सुबह थोड़ा हकबक लग रहा है, यानी स्टेशन भरा भरा लग रहा है। प्लेटफॉर्म एक साइड अभी हम आए हुए हैं, देखिए स्टॉल भी खुल चुकी है कई सारे। ये शायद बनांचल एक्सप्रेस का नाम है जो भागलपुर से आ रही है, अभी रांची जाएगी। देखिए भी इधर स्टॉल खुल चुका है, चलिए चलते बाहर की ओर। देखिए चंदपुरा जंक्शन, इधर से बाहर की ओर चल जाएंगे। ये बनांचल एक्सप्रेस रांची जा रही है, खुल चुकी है प्लेटफॉर्म एक से। तो चलिए चलते बाहर की ओर, बाहर सीधे मिलते हैं आपसे। निकासी थैंक यू, धन्यवाद। तो गाइस देखिए बाहर की ओर आ चुके अभी हम, चंदपुरा स्टेशन से बाहर की ओर। अरे ये पेड़ को काट दिया गया, काफी बड़ा पेड़ था यहाँ पे, इसको ये जो पेड़ है इसको काट दिया गया था नहीं। और ये देखिए चंदपुरा स्टेशन, इधर पार्किंग का एरिया है, इधर सारा ऑटो पार्किंग का एरिया है। तो गाइस चलिए बाहर दिखाते हैं आपको बाहर का व्यू। ये देखिए कई सारी टी स्टॉल खुली हुई है, पहले मार्केट यहाँ तक था, सब दुकान को तोड़ करके पीछे एकदम कर दिया गया। चलिए सुबह सुबह चाय पीते हैं। भैया चाय दीजिएगा। गरम गरम हम चाय पी रहे थे, इसी दुकान से लिए जस्ट चाय। स्टेशन है, स्टेशन के जस्ट बाहर, काफ़ी अच्छा चाय भाई, 10 का लिया है लेकिन काफ़ी अच्छा चाय पिलाता है। तो फाइनली गाइस चाय वाय पी लिए हैं, अभी थोड़ा टहलते बाहर में ही। और बाहर की देखिए जस्ट इधर अनाउंसमेंट का अभी आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, किसी और दूसरे ट्रेन का अनाउंसमेंट है। तो मैं ट्रेन तो 9:30 शायद आएगा, तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस कई तरह नाश्ते की दुकान भी यहाँ पे हैं, देख सकते हैं लिट्टी उट्टी सब कुछ मिल जाएगा। इधर देखिए पार्किंग एरिया कितना बड़ा है, तो आपको दिखाते हैं। अभी तो सुबह का टाइम है, दुकानें काफ़ी बंद होगी।
देखो कुछ इस तरह का स्टेशन को बाहर का व्यू देख सकते हैं। तो पार्किंग एरिया होते हुए जाएंगे। तो गाइस अभी हम थोड़ा देर टहल रहे हैं, जब तक हमारी ट्रेन नहीं आती तब तक इसी तरह ट्रेन स्टेशन में टहलते हैं। और शुभम भाई सही में चाय काफ़ी लाजवाब था, इतना अच्छा चाय बनाया था कि मत पूछिए, क्योंकि दूध का मात्रा अधिक था, दूध को शायद जलाया अधिक था। तो अभी हमको एक काफ़ी खूबसूरत सा एक सनराइज का व्यू दिखाते हैं, तो दिखाते हैं। देखिए गाइस कितना खूबसूरत नज़ारा है सनराइज होते हुए, ये देखिए भाई साहब काफ़ी अच्छा लगता है सुबह सुबह एकदम इस तरह से सूरज का, मतलब इस तरह का व्यू भी ठंड का मौसम में, क्योंकि ठंड का मौसम तो कुहेसा रहता है ना, तो इस मौसम में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर शायद कोई सोया हुआ है, तेरा कोई गरीब होगा। ये देखिए भाई साहब, और इधर कुछ इस तरह का व्यू अभी आ रहा है, ये देखिए, और ये पेट्रोल का माल, पेट्रोल का ये लगा हुआ है, इसमें पेट्रोल जा जाता है ना। देखिए भाई साहब स्टेशन भी काफ़ी लंबा स्टेशन एकदम, और वो जो देख रहे एकदम वो जो देख रहे हैं चिमनी, यहाँ पे DVC थर्मल पावर का प्लांट है, पावर प्लांट है, तो जस्ट वो चिमनी रहा। वो देखिए बाहर का ये सब व्यू है, ये प्लेटफॉर्म में एक साइड अभी हमें, और ये बाहर का व्यू देखिए कितना ये लग रहा है भैया, भगवान सूरज का भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है एकदम। तो भाई ये रहा चंदपुरा जंक्शन का बोर्ड, यहाँ पे जैक लिखा हुआ देखिए, महुदा धनबाद रांची बरकाकाना और बोकारो स्टील सिटी जाने के लिए यहाँ से ट्रेन बदल सकते हैं, तो कुछ इस तरह का बोर्ड है इधर। देखिए ये सब मालगाड़ी यहाँ लगी है, इसमें शायद कुछ पता नहीं तीसरा उधर वाली में कोयला मतलब लोडिंग है। देखिए मतलब इंजन यानी लोकोमोटिव कभी बंद नहीं करता है, ये चालू में है अभी, इसको कुछ ही कारण से रोका गया है, रोकने के बाद भी इसको मतलब बंद नहीं किया जा सकता। तो कुछ इस तरह का व्यू है। तो गाइस ये छोटा सा ब्लॉग था, क्योंकि हम अभी पटना जा रहे थे, उसे हम मतलब पटना और इसका जो सुपर सिटी रूट जाते हैं इसका हम ब्लॉग ऑलरेडी बना चुके हैं, तो मेरे जाकर मेरे से मतलब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं आप लोग। तो अभी हम यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह भाई कितना मतलब ये करेंगे, तो चलिए इस छोटे से ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग, और मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करिए, अवनीत ब्लॉग से ही है। चलिए।